तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं घाट पे काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, तो आप मेरे पीछे में देख सकते हैं उस बैलून को, यानी कि कुछ अच्छा खासा बैलून वगैरह भी यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि चकाचक पटना उस पे लिख। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग गाइस। सो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं पाथ फाइंडर अनिल। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पटना में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि पटना में छठ को लेकर पटना नगर निगम के द्वारा क्या क्या तैयारी पटना के सारे घाटों पे किया जा रहा है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। और आइए बात करते हैं सारी छठ घाट की जो कि पटना नगर निगम के द्वारा डेवलप किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पूरी घाट जो है पटना नगर निगम के द्वारा डेवलप किया गया है, और क्या तैयारी किया जा रहा है पटना में छठ घाट को लेकर के, इसे मैं दिखाने के लिए अभी पहुंच चुका हूं पटना के जेपी सेतु घाट पे। जेपी सेतु पश्चिमी घाट है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छा तरीके से पटना नगर निगम ने इसको चारों तरफ से जो है टेंट वेंट लगा दिया गया है और लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मंच वगैरह भी बन रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता जो है अंदर से बनाया गया है जो कि जितने भी व्रतियाँ जो भी हैं, जो लोग व्रत करते हैं, उनको जाने आने में कोई चीज़ के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए पटना नगर निगम और बिहार सरकार ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था जो है पटना के सारे घाटों पर किया है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा व्यवस्था है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरफ में जो है पंडाल चारों तरफ से लगा दिया गया है जो कि लोग इसके अंदर जाए, इससे बाहर ना जाए। और इसे इधर आप देख रहे होंगे जो कि बगल में जो है नदी वगैरह है, जो कि यह बगल में जा करके स्नान करेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ जो है यहीं से देंगे। और अभी काफ़ी तैयारी जो है कंटिन्यूसली चल ही रही है पटना के सारे घाटों पर, पटना के सारे घाटों को डेवलप करने के लिए पूरा तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जेपी सेतु पुल है, दिघा ब्रिज है, और उसके उधर भी घाट बनाया गया है। मैं उधर भी चलूँगा और उधर भी चल के आपको सारा घाट वगैरह जो है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। और काफ़ी कुछ अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे चारों तरफ लाइट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे प्रॉपर लाइटिंग वगैरह अच्छे तरीके से जो है लगा दी गई है, और अभी भी स्टाफ लोग जो है वो काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे कचरा वगैरह को भी सफाई के लिए ध्यान में रखते हुए कचरा का डब्बा जो है चारों तरफ लगाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ काफ़ी अच्छा से जो है चहल पहल से छठ को मनाने की तैयारी जो है वो किया जा रहा है पटना के सारे घाटों पे। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बैक कैमरा से, और उसके बाद फिर मैं अगले घाट पे चल के आपको दिखाता हूँ जो कि कैसा तैयारी जो है और कैसा कैसा तैयारी जो है यहाँ पे किया जा रहा है। जेपी सेतु पश्चिमी घाट से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं ये जेपी सेतु मेन घाट है, जहां पे काफ़ी कुछ अच्छा तैयारी जो है किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इधर जो है चारों तरफ से जो है बांस का जो है पूरा कॉरिडोर लगा दिया गया है, यानी कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं और उसके अंदर ही रहना पड़ेगा आपको। ये मेरे पीछे आपको जेपी सेतु पुल भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चेंजिंग रूम वगैरह भी जो है बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी जो है बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा से तरह तरह के हर एक घाटों पे जो है चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाया गया है, और काफ़ी कुछ अच्छा व्यवस्था जो है ये किया हुआ है। और बिलीव करिए जो कि ये जो सारी व्यवस्था जो हुई है वो 2 से 3 दिन के अंदर ही हुई है, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर ही लोगों ने सारा काम करके कंप्लीट किया है। तो एक बार बिहार सरकार और नगर निगम, पटना नगर निगम को धन्यवाद तो ज़रूर बनता है यार। और काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट जो है किया जा रहा है सारे छठ घाटों पे, जो कि लोगों को कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हर घाट पे आपको छोटा छोटा मंच देखने के लिए मिल जाएगा इस सब टाइप का, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह जो है ये लोग अरेंज करेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कि कितनी बड़ी बड़ी जनरेटर जो है हर घाट पर लगाई हुई है, और आप मेरे पीछे लाइटिंग देखिए क्या कमाल की लाइटिंग की गई है चारों तरफ से पूरे घाटों पर, और काफ़ी कुछ अच्छा जो है बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और काफ़ी व्यवस्था किया हुआ है सारे घाटों पे, इतना व्यवस्था जो है ये विद इन 3 डेज
आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि तीन दिन में हम लोग जब इधर आ रहे थे मरीन ड्राइव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस तीन दिन में जो है काफ़ी कुछ अच्छा व्यवस्था जो है किया हुआ है और कंटिन्यूसली लोग जो है यहाँ पे काम कर ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना सारा काम जो है चल ही रहा है कंटिन्यूसली। तो हमारा बिहार है तैयार छठ के लिए, और आगे चल करके दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं घाट पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, तो आप मेरे पीछे में देख सकते हैं उस बैलून को, यानी कि कुछ अच्छा खासा बैलून वगैरह भी यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि चकाचक पटना उस पर लिखा हुआ है। और काफ़ी अच्छा जो है, अगर आप मान लीजिए कि अपने घाट पर से कहीं चले भी जाते हैं तो इस बैलून को देख करके जो है आप अपने घाट के आसपास में जो है आ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और दिल से धन्यवाद एक बार फिर से पटना नगर निगम को। जितना धन्यवाद दे आप कम है पटना नगर निगम के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा व्यवस्था आपको मेरे पीछे जितना भी दूर ही दिख रहा होगा, जितना भी दूर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरा घाट में लाइट्स लगे हुए हैं, और कंटिन्यूसली अभी भी यहाँ पे कम से कम तो 400 से 500 लोग कंटिन्यूसली काम करते हुए दिख रहे हैं और कंटिन्यूसली काम कर ही रहे हैं घाट को और अच्छा से सजाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पाथफाइंडर अनिल। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और पटना में क्या क्या चीज़ें हो रही है लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ।